सर स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो गाइस आज के इस वीडियो में आपको दो टिप्स एंड ट्रिक बताऊंगा जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को पूरे एंड तक देखना। तो गाइस सबसे पहले ट्रिक के लिए आपको गाइस ब्रिज के पास ये जो आपको ट्री दिखता है इस ट्री के पास आ जाना है, और यहाँ पर आने के बाद इसके ऊपर आपको वेब शूटर का इस्तेमाल करना है। आप गाइस इस तरीके से आप इजीली क्लाइंब कर लोगे, और यहाँ पर आने के बाद आपको अपना जो कैरेक्टर उसको FPP में स्विच करने के बाद हल्के हल्के हाथों से आगे की तरफ जॉयस्टिक करना है ताकि आप इसके पेड़ के नीचे ना गिर जाओ। और अगर यहाँ पर आप इजीली यहाँ के आके होल्ड कर सकते हो, और यहाँ पे आपको कोई भी स्पॉट नहीं कर पाएगा। और अगर ब्रिज की तरफ से या फिर इस तरफ से ब्रिज की तरफ कोई गाड़ी जाता है तो उनके ऊपर बैठे हुए एनमी को आप इजीली मार दोगे, और अगर उनको बिल्कुल पता भी नहीं चलेगा कि आप उनके ऊपर कहाँ से फायर कर रहे हो। तो बस बहुत देर तक तो वो कन्फ्यूज़ रहेंगे कि आप मतलब उनके ऊपर जो गोलियाँ पड़ रही है वो किस लोकेशन से पड़ रही है, तो वो आपको जल्दी स्पॉट नहीं कर पाएंगे। तो बस इस तरीके से आप इस लोकेशन पर आके यहाँ का एडवांटेज ले सकते हो, और आप चाहो तो थोड़ा सा और अंदर जा सकते हो FPP में करके। बस आपको ध्यान देना है कि आपको सेंटर में नहीं जाना, नहीं तो अगर आप सेंटर में जाते हो तो आप नीचे गिर जाओगे और आपको बंदे जो है स्पॉट कर लेंगे और आपको इजीली फिनिश कर लेंगे। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे बहुत देर तक वेट किया था कि यहाँ पे कोई एनिमी आए और आपको मैं मार के दिखाऊँ, तो फाइनली गाइस यहाँ पर एक एनिमी आ चुका था। बट गाइस यहाँ पे मेरे को बहुत टाइम लग गया यहाँ बैठे बैठे। तो गाइस देख सकते हो सामने जो घर है उसके ऊपर एक एनिमी आ चुका है। अब गाइस मैं उसको बॉट फायर करके यहाँ पर बुलाऊंगा ताकि उसे लगे कि यहाँ पेड़ के आसपास कोई बॉट है, तो गाइस वो इजीली यहाँ पर आ जाएगा। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर कुछ बॉट फायर किया है ताकि उसे लगे कि यहाँ पर सच में कोई बॉट है, और गाइस वो बहुत स्पीड में भागता हुआ जैसे कि देख सकते हो आप यहाँ पर वो बॉट के लालच में आ रहा है। अब गाइस मैं इसे इस तरीके से मारूंगा कि बिल्कुल कन्फ्यूज़ हो जाएगा, तो गाइस देख सकते हो बिल्कुल ओपन में आ रहा है, और गाइस मैंने इसे इजीली मार दिया। अब गाइस ये जो बंदा है वो जब भी देखेगा मेरे को, मतलब अभी अगर वही देखेगा कि इसको मैंने कहाँ से मारा, तो गाइस वो बिल्कुल कन्फ्यूज़ हो जाएगा कि ये बंदा ऊपर कैसे चढ़ा होगा। तो गाइस ये था हमारा फर्स्ट ट्रिक, आई होप गाइस आपको पहला ट्रिक अच्छा लगा होगा। तो गाइस अब चलते हैं अपने नेक्स्ट ट्रिक की ओर। तो इस नेक्स्ट ट्रिक के अंदर गाइस आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि जब कभी भी आप पत्थरों के नीचे गिर जाते हो या फिर पत्थरों के नीचे पानी की तरफ उतरते हो, तो बस कहीं कहीं पर आप पत्थरों के ऊपर चढ़ नहीं पाते। यहाँ पर गाइस मैं आपको एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर एक लोकेशन दिखा रहा हूँ, बट गाइस इस जगह पर आप ऊपर चढ़ जाते हो आराम से। तो बस यहाँ पे बस एक एग्जांपल के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि अगर आप जब भी इस तरह के पत्थरों के नीचे कूद जाओगे तो बस यहाँ पे आप वेब शूटर का इस्तेमाल करके ऊपर नहीं जा पाते। तो सबसे पहले तो यहाँ पे एक बॉट आ चुका है, तो हम उसे मार देते हैं। तो बस यहाँ पे देख सकते हो मैं ऊपर नहीं चढ़ पा रहा हूँ, मैं कितना भी ऊपर अगर वेब शूटर का इस्तेमाल करता हूँ तो मैं इसके ऊपर नहीं जा पाऊँगा। तो बस यहीं पर आपको मैं एक टिप दूंगा कि आप किस तरीके से बहुत आसानी से ऊपर क्लाइंब कर सकते हो पत्थरों के। तो गाइस मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें आपको बताया था कि आप किस तरीके से ऊंचा जंप कर सकते हो, तो सेम ट्रिक आपको यहाँ पर करना है। आपको अपने वेब शूटर के बटन को ऊपर की तरफ स्वाइप करते हुए दबाना है, आप इजीली गाइस पत्थरों के ऊपर क्लाइंब कर लोगे या फिर गाइस किसी भी हाइट लोकेशन पर इजीली क्लाइंब कर लोगे। तो गाइस यहाँ पर देखते हो मैं दोबारा आपको करके दिखाता हूँ। तो कुछ इस तरीके से आपको ऊपर जाने के बाद आपको दोबारा पत्थरों के ऊपर इस वेब शूटर का इस्तेमाल करना है, और गाइस आप इजीली उनके ऊपर क्लाइंब कर सकते मतलब कर लोगे। और गाइस नहीं तो आप हवा में इसको दो बार इस्तेमाल कर सको, यानी आपको एक बार स्वाइप करना है ऊपर की तरफ, एंड देन दोबारा जब आपका टाइमर ख़त्म हो जाए तो आपको दोबारा एक बार ऊपर की तरफ स्वाइप कर देना नीचे अपने क्रॉसियर को करके। तो बस ये था हमारा आज के वीडियो। तो आई होप आपको पहला वीडियो या फिर पहला ट्रिक या फिर दूसरा ट्रिक अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ फॉलो करना मत भूलना। तो आपसे मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।